नमस्कार दोस्तों, मैं एंटोमोलॉजी मास्टर डॉक्टर संगीता प्रदीप रसोई से दवाई में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एनडब्ल्यूएम नॉन इन्वेसिव ड्रगलेस हीलिंग थेरेपी है और इसके कई टूल्स हैं। इसका एक टूल है आहारम। आहारम में हम आपके भोजन में कुछ खास चीज़ें ऐड करके जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी और कुछ चीज़ें कट करके जो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं आपको स्वास्थ्य प्रदान कराने की कोशिश करते हैं, आपको रोगों से बचाने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको जुलाई अगस्त के महीने में बरसात के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ खास उपाय बताऊंगी। इन दिनों बरसात के जल की वजह से हवा और पानी दोनों ही दूषित हो जाते हैं, यानी दोनों में ही बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है और कई प्रकार के इन्फेक्शन और बीमारियां होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। इन दिनों हमारी बॉडी में फायर एलिमेंट कम हो जाता है और एयर एलिमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्ट सिस्टम भी वीक हो जाता है, यानी हम जो खाते पीते हैं वो ठीक से नहीं पच पाता है और बॉडी में कई प्रकार के पेन आदि शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब परेशानियों से बचने के लिए, अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आइए जानते हैं कुछ आसान टिप्स। नंबर वन, इन दिनों सुबह के समय आप पीपली, पीपला मोल, चित्रक, सौंठ और उसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करके इन सब चीजों का आप चूर्ण बना लें और इसको आप सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें, या नमक को छोड़कर इन सब चीजों को आप पानी में पकाकर काढ़े की तरह से छानकर गरम गरम इसको पिए सुबह शाम। आप सुबह के समय 1 टेबल स्पून अजवाइन और 1 गिलास पानी, इन दोनों को अच्छी तरह से पकाकर जब पानी आपका 1 कप रह जाए तो आप छानकर इसे भी गरम गरम पी सकते हैं, या आप सुबह के समय तुलसी का रस ले सकते हैं या फिर आप सट रस ले सकते हैं। आप सुबह के समय गुनगुने पानी में 1 नींबू निचोड़कर भी ले सकते हैं, या आप गुनगुने पानी में शहद ले सकते हैं, यानी इन चीजों में से आप कुछ भी एक चीज सुबह शाम जरूर लें, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी इम्प्रूव होगा। आप खाने में तोरी, लौकी, परवल, टिंडा, खांड, गुड़, अनानास, मौसमी, संतरा, नींबू, खजूर, यानी आप खट्टे फल इन दिनों अगर लेंगे तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम इम्प्रूव होगा, यानी आप जो खाएंगे वो आप आसानी से पचा सकेंगे। इन दिनों आप ध्यान रखें, आप ऐसी चीजें खाएं जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगी, यानी जो आपको पाचन में मदद करेंगी। बरसात के मौसम में जब धूप निकलती है तो आप अपने बिस्तर या जो भी आपकी खास चीजें हैं जिनमें मॉइस्चर आ गया है उन्हें धूप जरूर लगाएं। अधिक समय तक आप मॉइस्चर वाली जगहों पर न रहें और इन दिनों आप जो भी व्यायाम कसरत आदि करते हैं उसे थोड़ा कम कर दें, और इन दिनों आप घर का बना हुआ साफ ताजा खाना ही खाएं। इन दिनों पैक फूड से बचें, बाहर के खाने से बचें, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप अनेक प्रकार के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ खास उपाय जो बरसात के मौसम में भी आपको स्वस्थ रखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमसे कोई और खास जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर भेजें। थैंक यू फ्रेंड्स।